रखी हो? प्लीज करो ना। अच्छा ठीक है, बताओ क्या दिख रहा है? ये तो बंद करने बोल दी, क्या दिखेगा मुझे, अंधेरा था पूरा। हराम खोर साले कमीने, 15 साल पहले आंख क्यों नहीं मारी बे? कम से कम ये मुसीबत तो मेरे गले ना पड़ती। भाई वो कौन है जो आसमान में उड़ती लेकिन बच्चे जमीन में देती है? एयर होस्टेस। दोस्त जब रूठ जाए तो उन्हें मना लेना चाहिए, क्योंकि वह पापी आपके सारे राज जानते हैं, पता नहीं कब टेलीकास्ट कर दे। मैं तुम्हें बचपन से बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुमसे एक शर्त पे प्यार करूँगी। क्या? कसम खाओ कि तुम कभी किस करने या मुझे छूने के लिए दबाव नहीं डालोगे। जा बहन जा, घर पे जा, तेरे मम्मी पापा इंतजार करते होंगे, जा। तुम लोग कौन हो भाई? अबे ये साला फिर भूल गया। अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। अगर इस चौखट पर बारात आई, लाशें बिछा दूंगा, लाशें। कभी कभी लगता है कि अपुनीच भगवान है, कि सिर्फ तुझे पाना मेरी मोहब्बत का मकसद नहीं, कि सिर्फ तुझे पाना मेरी मोहब्बत का मकसद नहीं, और तू मुझे खुद मिल जाए, और तू मुझे खुद मिल जाए, इतनी अच्छी तो मेरी किस्मत नहीं। भाई बड़ा खुश है, कल तो बड़ा रो रहा था तू। अरे भाई कल मेरी बंदी ने 25,000 की ड्रेस ली थी, इसलिए रो रहा था। तो अब इतना खुश क्यों है? भाई वही ड्रेस ना मेरी बंदी तेरी बंदी को दिखाने के लिए गई है आज। ओ भाई रोकना, खुद मेरा पैसे रोकना। क्या हुआ भाई, इतना परेशान क्यों है? यार मैं एक बात से बड़ा परेशान हूँ यार। किस बात से? यार जब दिल में हड्डी होती ही नहीं है तो वो टूटता कहाँ से? अबे यार आमिर देख, अब शाम हो गई, थोड़ी देर बाद रात हो जाएगी, पता ना ऊपर वाले ने रात बनाई क्यों है ये। अबे तुझे यही ना पता? अबे पागल, रात इसलिए बनाई है ताकि हम जैसे गरीब बेसहारा लोग चोरी कर सके। बोल रही है मैं पागल हूँ क्या? अरे जा, मेरे को भी कोई जरूरत नहीं है, बाय। यार भाई ये तुम लोग का ऐसा कैसा रिश्ता है यार जिसमें रोज लड़ाई होती है? मेरे भाई अगर किसी रिश्ते में लड़ाइयां ना होना तो समझ जाना कि ये रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। तेरा मन सुन, जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन। मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा हीरो नंबर। अरे आप यहाँ क्यों घूम रही हो? क्यों, क्या हुआ? गवर्नमेंट ने पटाखे बैन कर रखे हैं ना बे। तू की चिचियारे चिमकांडी सी है बे, तेरे को थोड़ी कह रहा हूँ फुसली बम, इसको कह रहा हूँ। शर्म वरम नहीं है, कुछ भी बोलता रहता है। नहीं शर्म नहीं है, बेच के खाली हो तो नंगा पैदा हुआ था ना इसलिए। और भाई साहब अब आपके दादाजी की तबीयत कैसी है? अब ठीक है, पहले जो खांसी आ रही थी वो बंद हो गई है, लेकिन सांस अटक अटक के आ रही है। अच्छा, भगवान करेंगे ये भी जल्दी बंद हो जाएगी। अबे तेरे से एक सवाल पूछे? हाँ भाई पूछना। लड़की अगर घर से भागने का धमकी दे तो उसका माँ बाप को क्या करना चाहिए? टकला कर दो उसको। काहे बे? काहे कि बेटा 5-6 महीना तक भागना तो दूर, घर से बाहर कदमों ने रखेगी बेटा। अब्बा चाचा ये देखो मैं लड़की पसंद किया हूँ। अच्छी तो है, तेरे बाप को पूछ फिर भी। अच्छी तो है, देखो तेरी माँ को समझाना पड़ेगा। अरे अब्बा है मेरे लिए। जी मम्मी जी, हाँ सुन के बड़ा बुरा लगा। चलो ठीक है भाई। क्या हुआ? बेबी जिन पंडित जी ने हमारी शादी कराई थी ना, हाँ। वो गुजर गए बेचारे। ये तो होना ही था।
एक ना एक दिन तो उसको उसके कर्मों का फल मिलना ही था। तू इतनी अच्छी ड्रेस पहन के कहाँ जा रही है भाई लॉकडाउन में? मैं तुझे बताऊंगी, पर पहले तो प्रॉमिस कर तू मुझे मारेगा नहीं। नहीं पक्का नहीं मारेगा ना? हाँ? मैं दूसरे रूम तक जा रही हूँ। बहन एक बार इधर आइयो। क्या है? मैं नहीं आ रही। फोन है तेरे लिए। अबे यार किसका फोन है बता। ये ले पापा का फोन है, कह रहे भाई को एक गिलास पानी पिला दे। कुत्ता है तू कुत्ता। जब मेरे ससुराल में ये रसगुल्ला था तो उन्होंने मुझे ये दही बल्ला क्यों पकड़ा दिया? क्या सोच रहे हो? बिना बोले मुझे सब सुनाई दे रहा है। क्या चल रहा है दिमाग में? मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम दोनों बहनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। ये रोज रोज सुबह में उठ के दुआ क्या मांगते हो? मैं ऊपर वाले से रोज प्रार्थना करता हूँ कि सबको तुम जैसी बीवी मिले। सच में तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? आखिर मैं ही क्यों अकेला दुख झेलूं? यार मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, क्या गिफ्ट दूं? ब्रेकअप दे दो। क्या कह दिया है? अबे ये तो तेरी बंदी है। ले ब्रेकअप। पति बहुत धीमी आवाज में फोन पे बात कर रहा था। जी फोन पे इतनी धीमी आवाज में किससे बात कर रहे हो? बहन है। तो फिर इतनी धीमी आवाज में किस लिए कर रहे हो? बहन तेरी है ना, इसलिए। मुझे चाहिए बस। तुझे गिफ्ट दे देकर मैं भिखारी हो गया हूँ। हाँ बाबू क्या लाना था? ऐसे लटकने से कुछ नहीं होगा, मम्मी को बोल दारू पिलाए दारू। अरे भाई वो दारू नहीं, वो कॉम्प्लेन है। अच्छा मेरे को क्या पता, मैं तो दारू पीऊं दारू। मैं तो दारू पी पी के बड़े हुए हूँ। हेलो हेलो, मेरे बाबू ने थाना थाया? तेरे बाबू ने थाना नहीं, तीन चार डंडे खाए। फोन रख तोतली। किसी ने मुझसे पूछा कि सतयुग और कलयुग में क्या फर्क है। मैंने कहा सतयुग में गुस्सा आने पर श्राप देते थे और कलयुग में गुस्सा आने पर ब्लॉक कर देते हैं। वकील साहब मुझे तलाक चाहिए। तलाक? वो क्यों चाहिए? बस मेरे को तलाक चाहिए, मुझे ननस के साथ। अच्छा चलो बोलो पेंसिल। है? बोलो पेंसिल। पेंसिल? तुम्हारी शादी कैंसिल। ये क्या बात हुई? बात नहीं तलाक हुई। ऐसे आशिक से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। जा जल्दी जा, तने तो मैं नहीं बाहर पुलिस देखेगी। क्या करिए कोमल, पागल हो गई। भाई मैं उससे परेशान हो गई हूँ, मैंने बहुत कोशिश किया कि वो चला जाए लेकिन वो जा ही नहीं रहा है। कौन है बहन बता, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। भाई हाँ बोल। देखो ना मेरा पेट अंदर नहीं जा रहा। भाई तेरा शादी को लेकर क्या विचार है? भाई शादी बिजली के दो तारों का वो गठबंधन है, सही जुड़ गया तो प्रकाश ही प्रकाश, गलत जुड़ गया तो धमाके ही धमाके। सुनो कल तुम दिन भर कहाँ थे? रमेश के साथ ना ठेके पे गया था। ठीक है।
बीवी से कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि बीवी वही बात पूछती है जिसके बारे में उसे पहले से पता हो। चल बहन बैडमिंटन खेलते हैं। नहीं भाई मेरे हाथ में दर्द है। अरे खेल लेना। नहीं भाई प्लीज। जब एक बार बोल दिया ना मेरे हाथ में दर्द है, नहीं खेलूंगी मैं। क्या रिटेट करता रहता है सारा टाइम, ये काम कर मुझे खा ले। मैं गो नहीं खाता। गल नहीं है भैया मेरी बीवी मर के चली गई, बादल पतंगा सितारा। बॉस इस आदमी ने हमारे साथ गद्दारी की है। इस कुत्ते के एक हाथ में टाइटन की और दूसरे हाथ में HMT की घड़ी पहनाओ। लेकिन बॉस ये तो गद्दार है। हम जानते हैं, इसको बताना है कि अब ये दो घड़ी का मेहमान है। बेबी हमारी एनिवर्सरी आ रही है, तो तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगे? बेबी मैं ना तुम्हें इस बार अंडमान निकोबार लेके जाऊंगा। अच्छा, और उससे अगली एनिवर्सरी पे तुम्हें वहां से लेने के लिए आ जाऊंगा। ओह नो। छी, ये कैसी सब्जी बनाई है, बिल्कुल गोबर जैसा स्वाद है। हे भगवान, न जाने इसने क्या क्या खा कर देखा हुआ है, गोबर का स्वाद ही पता है। अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ा है। यहां बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस। इनकी जिंदगी मैं भी चाहता हूं, इसलिए नहीं क्योंकि इनके सच कहने से मैं बच सकता हूं, इसलिए क्योंकि एक अच्छे इंसान है। भाई लोग समझो, तुम लोग को ना बहुत ज्यादा प्यास लगी है। हाँ यहाँ पर है ना 1 किलोमीटर पे ना तुम लोग को पानी मिलेगा, और बराबर यहाँ पे ना 5 किलोमीटर पे तुम लोग को ठंडी चिल्ड बियर मिलेगी। तो तुम लोग अरे ए, ए, अरे समझो बोला था ये। अरे डैमेज, हाउ डेयर यू। अरे यार बड़ी खतरनाक इंग्लिश है, हिंदी ना बता गया यार इसकी। आमिर मैं बता दे यार। देख इसमें हाउ का हो जाएगा तुम, और डेर का तो डेर ही है तुझे पता ही है, और यू का है घर के पास, तुम्हारे घर के पास डेर है। बिल्कुल भी अच्छी दाल नहीं बनाई यार। अब रहने दो, इसी दाल को ना फेसबुक पे 1.5 लाख लोगों ने लाइक किया, और इंस्टाग्राम पे 1 लाख लोगों ने लाइक किया, और 50,000 लोगों ने यम्मी भी लिखा है। आप क्या लगी नखरे हो रखे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम लड़कियां ससुराल में ननन देवर सास ससुर सबकी कदर करती हो, लेकिन फिर पति की क्यों नहीं करती? लो सुनो, लड़की ने घर छोड़ा ससुराल मिला, भाई छोड़ा देवर मिला, बहन छोड़ी ननन मिली, माँ बाप छोड़े सास ससुर मिले, लेकिन ऐसा क्या छोड़ा जो पति मिला? कुछ भी नहीं। अब आप ही बताओ, मुफ्त में मिली चीजों की कोई कदर करता है क्या? सासू माँ पाए लागू, कैसी हो? ए नासपीट है, कितनी बार बोला है फोन मत करा कर, अब मेरी बेटी तेरे घर नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, फिर क्यों फोन करता है? सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए जाके बोल उसको। अब वो मेरी बहन है ना आमिर, शायद मुस्कान। अबे ना तेरी बहन ना है। अबे ना यार मुस्कान ही है यार। अबे तेरी बहन होती तो आके बंद करके बता देता, खुशबू खुशबू से ही।